So today we are going to revise the chapter from the very beginning. ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरा स्टार्टिंग का ऑफलाइन दो तीन क्लास मिस कर दिया था या अटेंड नहीं किया था. ओके, तो आज हम लोग पार्टनरशिप का एकदम शुरुआत से रिवीजन करने वाले हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक. तो चलिए शुरू करते हैं. आप लोगों ने क्लास 11 में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम क्या था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. एक तो आप लोगों ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप, अच्छा. और आप लोगों ने क्या पढ़ा था, और आप लोगों ने पढ़ा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. और क्या पढ़ा था आप लोगों ने, कंपनीज पढ़ा था, और आप लोगों ने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी. और फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप. नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. आप मेरे को बात बताओ, ये जितना भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, हर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एक अलग लॉ से गवर्न्ड है. एक अलग क्या लॉ से गवर्न्ड है, जो कि लॉ उस बिजनेस के बारे में बताता है कि उस एंटिटी को किस तरह से वर्क करना है, उस एंटिटी को किस तरह से वर्क करना है, उसका लॉस क्या है, उसका रेगुलेशंस क्या है. अच्छा, सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई डेफिनेट एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है. अच्छा, ये आप लोगों को याद होगा जो आप लोगों ने पढ़ा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसका एक सेपरेट लॉ है. इसका एक सेपरेट क्या है, लॉ. उस लॉ का नाम क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. मतलब हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में किस तरह से बिजनेस होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, कर्ता कौन है, ये सब कहाँ मेंशन है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में. दैट इज़ क्या, 1956. अच्छा, आप लोग मेरे को बात बताओ, कंपनीज है, कंपनीज का भी एक एक्ट है अगर आप लोगों को मालूम हो तो. कंपनीज का एक्ट क्या है, कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013. सिमिलरली कॉपरेटिव सोसाइटी का भी एक एक्ट है. कॉपरेटिव सोसाइटी का एक्ट क्या है, कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट. कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. कॉपरेटिव सोसाइटी किससे गवर्न्ड है, कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 से. सिमिलरली पार्टनरशिप जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसका भी एक सेपरेट एक्ट है. उसका भी एक सेपरेट क्या है, एक्ट. उस एक्ट का नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप एक्ट क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. पहले आप लोग एक बात समझ लो, हर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एक सेपरेट लॉ से गवर्न्ड है. सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई सेपरेट लॉ नहीं है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का लॉ है. उस लॉ का नाम क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. कंपनीज का भी लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013. कॉपरेटिव सोसाइटी का भी एक्ट है, कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. पार्टनरशिप का भी एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. हम लोग क्लास 11 में किसका अकाउंटिंग पढ़ के आए थे, सोल प्रोप्राइटर का. किसका अकाउंटिंग पढ़ के आए थे, सोल प्रोप्राइटरशिप. अच्छा, इसमें अकाउंट्स कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. ये सब कहाँ मेंशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. और हमारा अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को ड्रॉ करते हैं, अकाउंट्स को बनाते हैं. अच्छा, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन इशू करता है, आप लोग बताओ मेरे को. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको इशू कौन करता है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. अच्छा, ओके, ये सब हमारे कोर्स में नहीं, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. हम लोग का कोर्स क्या है, हमारा कोर्स है पार्टनरशिप. हमारा कोर्स क्या है, पार्टनरशिप. क्लास 12 अकाउंटेंसी में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं पार्टनरशिप, कि अगर कोई फॉर्म, हम लोग कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस फॉलो कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉलो कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप किस लॉ से गवर्न्ड है. तो पार्टनरशिप किस लॉ से गवर्न्ड है बताओ मेरे को, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब हम लोग पढ़ेंगे, ये एक्ट हम लोग को बताएगा कि हमें, अगर हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो क्या रूल्स होगा, क्या रेगुलेशंस होगा, कैसे फॉलो करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सब कहाँ पे मेंशन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पार्टनरशिप. तो क्लास 12 में हम लोग सबसे पहले किसका अकाउंटिंग सीखने वाले बताओ मेरे को, पार्टनरशिप का. पार्टनरशिप किससे गवर्न्ड है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932। अच्छा, ये एक्ट बताता होगा कि पार्टनरशिप क्या है, ये एक्ट डिफाइन करता होगा कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप। अच्छा, आप लोगों को मालूम है ना, एक्ट में सेक्शंस होते हैं। एक्ट में क्या होता है, सेक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज दिया हुआ होता है। तो पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप का जो क्या है डेफिनेशन, वो डेफिनेशन किस एक्ट में मेंशन है बताओ? आईपीए 1932। किस एक्ट में मेंशन है? आईपीए 1932। पर किस सेक्शन में लिखा हुआ है इस एक्ट का? सेक्शन 4। किस में लिखा हुआ है? सेक्शन 4। अब आप लोग बताओ मेरे को, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन विच सेक्शन, इन विच क्या सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप डेफिनेशन इज गिवन। तो किस सेक्शन में बताओ? सेक्शन 4। किसका सेक्शन 4? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, तो ये सेक्शन क्या बोलते हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप? एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस। बिटवीन क्या? टू और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड, हु हैव क्या अग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पहले हम लोग डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर हम लोग एनालाइज करेंगे इसका वर्ड को। ओके, बताओ क्या लिखा भाई? एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है बोलिए? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप एक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच बताओ? टू और मोर पर्संस, बिटवीन टू और मोर पर्संस। आइए इसको एनालाइज करते हैं। अब मेरे को बात बताओ, एक बंदा है मिस्टर ए, एक बंदा है कौन? मिस्टर ए, ये खुद में खुद का पार्टनर हो सकता है क्या? तो एक सिंगल बंदा तो कभी पार्टनर नहीं हो सकता, एक सिंगल बंदा तो कभी पार्टनर नहीं हो सकता। अगर हम लोग को पार्टनर चाहिए तो एक और पर्सन का जरूरत होगा मिनिमम। अगर हम लोग को पार्टनर चाहिए तो क्या होगा? एक और पर्सन का जरूरत होगा। अगर सिर्फ एक पर्सन का बात कर रहे हैं तो फिर वो सोलो प्रोप्राइटर हो गया ना। क्या हो गया? वो सोलो प्रोप्राइटर। पर हम लोग सोलो प्रोप्राइटर की बात तो नहीं कर रहे, हम लोग किसके बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में मिनिमम कितना बंदा चाहिए बताओ मेरे को? दो बंदा। अच्छा, तीन बंदा होगा तो भी तो पार्टनरशिप हो सकता है। तीन बंदा होगा तो भी तो पार्टनरशिप हो सकता है। चार बंदा होगा तो भी तो पार्टनरशिप हो सकता है ना। इसे देखो डेफिनेशन में क्या बोला, ये जो एक्ट है ये क्या बोला डेफिनेशन में? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप किसके किसके बीच? बिटवीन टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज़्यादा। इसलिए कानून ने क्या बताया, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशनशिप है किसके किसके बीच? दो या दो से अधिक। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये पार्टनरशिप क्यों किया? ये लोग कोई भी इंसान दो बंदा मिलकर पार्टनरशिप करके बिजनेस कर रहा है क्यों? ताकि फ्यूचर में लॉस जमा कर सके, कि फ्यूचर में प्रॉफिट जमा कर सके। कोई भी दो बंदा तीन बंदा मिलकर पार्टनरशिप कर रहा है, बोल रहा हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, मकसद क्या वो लोगों का? प्रॉफिट कमाना। क्या मकसद है? प्रॉफिट कमाना। तो डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड, हु हैव क्या अग्रीड, क्या चीज के लिए अग्रीड? टू शेयर द, टू शेयर द, क्या शेयर द? फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और पार्टनरशिप रिलेशनशिप है दो या दो से अधिक बंदा के बीच में, जो कि अग्री किया, जो कि क्या किया? अग्री किया तीनों बंदा। क्या चीज़ के लिए अग्री किया? कि वो लोग शेयर करेगा, वो लोग क्या करेगा? शेयर करेगा। क्या चीज़ को शेयर करेगा बताओ मेरे को? फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। क्या चीज़ को शेयर करेगा? फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये दो टर्म्स मेरे आप लोगों को क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अच्छा, थर्ड लाइन कॉमा कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल,
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आइए ये पार्ट को एनालाइज करते हैं, ये क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और इसके लिए हम लोग दो केस पढ़ते हैं तो आप लोग को डेफिनेशन समझ में आएगा। केस वन, केस वन, तीन बंदे हैं, तीन पर्सन है, कौन कौन, एक्स वाई और केस वन एक्स वाई एंड जेड, तीनों ने मिलके कपड़े की दुकान खोली, तीनों ने मिलके क्या किया, एक कपड़े का शॉप ओपन किया। इसमें तीन फ्लोर है, कितना फ्लोर है इसमें, तीन फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और क्या, थर्ड फ्लोर। फर्स्ट पे कौन बैठता है, एक्स, सेकंड पे कौन बैठता है, वाई, थर्ड पे कौन बैठता है, जेड, तीनों मिलके आराम से मस्त अपना बिजनेस चला रहे हैं। इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल, जब हर पार्टनर क्या कर रहा है, बिजनेस में टेक पार्ट कर रहा है, हर पार्टनर क्या कर रहा है, बिजनेस में टेक पार्ट कर रहा है। अच्छा आप सेकंड केस समझो, सेकंड केस क्या सोचते, ये क्या है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये क्या है, केस टू, केस टू, तीन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड, जेड बहुत बिजी है, जेड बहुत बिजी है, इसके पास टाइम नहीं कि दुकान में बैठ सके। जेड ने क्या बोला कि देखो मैं कैपिटल तो इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं कैपिटल तो इन्वेस्ट कर दूंगा पर मैं दुकान पर आके बैठ नहीं पाऊंगा, मैं दुकान में आके क्या बैठ नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा और भी बहुत सारा बिजनेस है, मेरे को वहाँ भी टाइम देना है। तो ये लोग अग्री कर गए, ये लोग इस बात पे क्या कर गए, अग्री कर गए। फर्स्ट फ्लोर पे कौन बैठता है, एक्स, सेकंड पे कौन बैठता है, वाई, थर्ड पे कौन बैठता है, स्टाफ, थर्ड पे कौन बैठता है, स्टाफ, जेड ने बैठता है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, एक्स और वाई कोई भी एक्टिविटी करेंगे, एक्स और वाई क्या कोई भी एक्टिविटी करेंगे, उसके लिए सिर्फ एक्स और वाई लायबल है कि एक्स वाई जेड तीनों लायबल है, एक्स वाई जेड तीनों लायबल है। इसी को हम लोग अच्छा सेकंड केस लेते हैं, मान लो कि वाई बोला कि वो भी बहुत बिजी है, वाई क्या बोला, वो भी बहुत बिजी है, वो भी बिजनेस में बैठ नहीं पाएगा, कैपिटल इन्वेस्ट करके छोड़ देगा। तो फर्स्ट फ्लोर पे कौन बैठ रहा है, एक्स, सेकंड पे कौन बैठ रहा है, स्टाफ वन, थर्ड पे कौन बैठ रहा है, स्टाफ टू। अब एक्स बिजनेस के लिए कोई भी एक्शन करेगा, एक्स बिजनेस के लिए क्या करेगा, कोई भी एक्शन करेगा, तो सिर्फ एक्स लायबल है या एक्स वाई जेड तीनों लायबल है, एक्स वाई जेड तीनों लायबल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, और एनी ऑफ देम, और क्या, एनी ऑफ देम तीनों में से कोई भी एक्टिंग फॉर ऑल, किसके लिए काम कर रहा है, सबके लिए, किसके लिए काम कर रहा है, सबके लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। और फिर से समझते हैं पार्टनरशिप क्या है, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, एज पर सेक्शन फोर, एज पर क्या, सेक्शन फोर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड, जो लोग क्या किए, अग्री किए, क्या चीज़ के लिए अग्री किए, टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है ये, मैं दो मिनट वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको रिकॉर्ड कर लो, लिख लो इसको। हाँ तो हो गया डेफिनेशन, क्या था डेफिनेशन बताओ, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्लियर है, हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये दो बंदा है, कौन, यह है ढोलू और यह है भोलू, ढोलू और भोलू, यह दोनों मिलकर क्या किया, पार्टनरशिप किया, दोनों मिलकर बोला हम लोग एक दुकान खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। अच्छा अगर दोनों मिलकर बिजनेस खोल रहे हैं, दोनों मिलकर क्या खोल रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, तो प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट। अच्छा तो कितना प्रॉफिट ढोलू को मिलेगा और कितना प्रॉफिट भोलू को मिलेगा, ये कैसे मालूम चलेगा, मतलब चांसेस है ना कि फ्यूचर में ये लोग दोनों के बीच में लड़ाई हो सकता है, देयर आर चांसेस दैट इन फ्यूचर दे मे बी डिस्प्यूट, दे मे बी क्या, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा बिटवीन ढोलू एंड भोलू, ढोलू भोलू के बीच में झगड़ा होने का चांसेस है। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, ये झगड़ा ना हो, ये झगड़ा क्या हो, ना हो, इसके चलते पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है ना कि हम लोग को पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले,
पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले एक अग्रीमेंट बना लेना चाहिए, एक क्या बनाना चाहिए, अग्रीमेंट। और उस अग्रीमेंट में सब कुछ लिख देना चाहिए कि बिजनेस हम लोग किस चीज़ का करने वाले हैं, पार्टनर कौन कौन है, प्रॉफिट अगर होगा तो किस रेशियो में बटेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, एक अग्रीमेंट बना लो। आप क्या बना लो, एक अग्रीमेंट बना लो। उस अग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पार्टनरशिप डीड। उस अग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो व्हाट डू यू नो पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज अ अग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज अ क्या, अग्रीमेंट विच आउटलाइंस, विच क्या आउटलाइंस और प्रोवाइड्स, विच प्रोवाइड्स इन डिटेल। क्या प्रोवाइड करता है बाबू मेरे को बताओ, द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स हु आर इंगेज्ड इन द बिजनेस। वो सारा पार्टनर्स का राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि इंगेज्ड है, जो कि क्या है, इंगेज्ड है। किस में इंगेज्ड है? बिजनेस में इंगेज्ड है, पार्टनरशिप फर्म में इंगेज्ड है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन करेंगे, नोट्स कॉपी में लिखिए। पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन दे दिया आप लोगों ने, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 में हेडिंग देंगे पार्टनरशिप डीड। पॉइंट नंबर 2 में हेडिंग देंगे पार्टनरशिप डीड। अब कोई भी पूछेगा आप लोगों से बताओ पार्टनरशिप डीड क्या है, तो आप लोग आराम से बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड एक अग्रीमेंट है। चलिए लिखते हैं इसको। क्या हेडिंग दिया आप लोगों ने, पार्टनरशिप डीड। तो व्हाट डू यू नो पार्टनरशिप डीड? लिखो, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज क्या, पार्टनरशिप अग्रीमेंट विच आउटलाइंस, विच क्या आउटलाइंस ऑब्लिक प्रोवाइड लिख दो आप लोग, प्रोवाइड विच आउटलाइन या प्रोवाइड, विच आउटलाइन या प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड इन डिटेल, डिटेल में बताता है, इन क्या डिटेल। अच्छा डिटेल में क्या बताता है बोलो मेरे साथ, विच प्रोवाइड्स और आउटलाइंस इन डिटेल क्या, द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लिखिए द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स, द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स हु आर इंगेज्ड, हु आर इंगेज्ड, हु आर क्या इंगेज्ड इन द पार्टनरशिप फर्म। उन लोगों का ये राइट्स और ड्यूटीज बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है जो कि इंगेज्ड है, जो कि क्या है इंगेज्ड है। किसमें इंगेज्ड है बाबू, पार्टनरशिप फर्म में। किसमें इंगेज्ड है, पार्टनरशिप फर्म में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पार्टनरशिप क्या है, ये भी क्लियर हो गया होगा पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड एक अग्रीमेंट है जो कि पहले सब कुछ मेंशन हो जाता है कि कौन कौन पार्टनर है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, हम लोग ये बिजनेस ये क्या बोलते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, पार्टनर का नाम एड्रेस, वो लोग अगर प्रॉफिट होगा तो किस रेशियो में बांटेगा, कितना कितना कैपिटल लगाएगा, ये सारा कुछ कुछ भी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है किससे, पार्टनर से, वो सब कहाँ रिकॉर्ड होगा बाबू, पार्टनरशिप डीड में, ताकि फर्दर डिस्प्यूट ना हो किसके किसके बीच, पार्टनर्स के बीच, किसके किसके बीच, पार्टनर्स के बीच। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग तीसरा टर्मिनोलॉजी समझते हैं। पहले हम लोग पढ़ लिए पार्टनरशिप क्या है, फिर हम लोग पढ़ लिए पार्टनरशिप डीड क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक टर्म है PSR। क्या टर्म है बताओ मेरे को, PSR। व्हाट डू यू मीन PSR? PSR हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे मान लेते हैं भाई हम लोग का जो एग्जांपल था ढोलू और भोलू, ढोलू और भोलू, ये लोग क्या बोला कि हम लोग बिजनेस करेंगे, जो भी कमाई होगा हम लोग आपस में इक्वली बांट लेंगे, हम लोग आपस में क्या करेंगे इक्वली बांट लेंगे, मतलब 1:1। कैसे बांटेंगे इक्वली बताओ मेरे को, 1:1। तो ये 1:1 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, PSR। ये 1:1 को क्या बोलते हैं, PSR। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा मान लो ढोलू बोला, ढोलू ज़्यादा कैपिटल लगाया है, भोलू कम कैपिटल लगाया है, ढोलू कैपिटल लगाया कितना 300,000, ढोलू कितना कैपिटल लगाया 300,000, और भोलू कितना कैपिटल लगाया 200,000। आ रहा समझ में, ढोलू 300,000 लगाया, भोलू 200,000 लगाया, ढोलू क्या बोला हम ज़्यादा पैसा लगाए हैं, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, हम ज़्यादा पैसा लगाए मेरे को क्या चाहिए
ज़्यादा प्रॉफिट। बोलू क्या बोला, ठीक है हम कम का पैसा लगाए तो हम थोड़ा कम प्रॉफिट में मान जाएंगे। तो ये लोग मालूम है नया रेशियो कितना डिसाइड किया, 3:2, क्या रेशियो डिवाइड किया ये लोग, 3:2, मतलब जो भी कमाई होगा उसका 3 हिस्सा कौन लेगा, ढोलू, 2 हिस्सा कौन लेगा, भोलू। आप लोग अभी कैलकुलेशन में मत जाना, हम जब सम्स करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आप लोग खाली समझ लो मतलब PSR का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय PSR। PSR का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा इसको डिफाइन कैसे करेंगे, PSR है क्या, PSR वो रेशियो है, PSR वो रेशियो है जिसमें पार्टनर्स, जिसमें कौन पार्टनर्स क्या करने वाला है, अपना फ्यूचर का प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, अपना फ्यूचर का प्रॉफिट और लॉस को क्या करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। इसको इंग्लिश में बोले व्हाट डू मीन PSR, इट वॉज टू दैट रेशियो, इट वॉज टू क्या, दैट रेशियो इन विच द पार्टनर्स आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, इन विच द पार्टनर्स आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट देयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस। ये वो रेशियो है जिसमें पार्टनर्स लोग क्या करेगा, अपना फ्यूचर का प्रॉफिट और लॉस को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कॉपी निकालो, पॉइंट नंबर 3 लिखिए PSR, क्या लिखेंगे आप लोग, PSR, PSR को डिफाइन करो, व्हाट डू यू मीन बाय PSR, इट रिफर्स टू दैट रेशियो, इट रिफर्स टू दैट रेशियो इन विच द पार्टनर्स आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट देयर, इन विच द पार्टनर्स आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट देयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड फ्यूचर लॉसेस। मतलब जिस रेशियो में फ्यूचर में वो लोग प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि PL appropriation क्या होता है, उसको क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। ओके?